गुजरात के तटों से टकराने वाला है बिपरजॉय तूफान। बिपरजॉय तूफान को लेकर गाइडलाइन जारी, हेल्पलाइन नंबर भी सरकार ने किए जारी। अरब सागर से उठा बिपरजॉय तूफान अब कभी भी गुजरात के तटों से टकरा सकता है। आईएमडी की चेतावनी है कि ये तूफान भयंकर तबाही ला सकता है, जिसको देखते हुए पिछले 4-5 दिनों से खतरे वाले जगहों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। वहीं हर तरह की तैयारी किए जाने का दावा भी किया जा रहा है। वहीं सरकार ने बिपरजॉय तूफान के भयावह रूप को भांपते हुए लोगों की जान बचाने की मकसद से जरूरी गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि तूफान से पहले और तूफान के वक्त क्या करना चाहिए। तटीय इलाकों से हट जाएं, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, ड्राइविंग कम से कम करें, घरों में पर्याप्त राशन और खाने पीने का सामान और लाइफ सेविंग दवाएं स्टोर कर लें, घर के बीमार व्यक्ति के लिए दवा की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त कर लें, पीने के पानी को स्टोर कर लें, बच्चों और पालतू जानवरों को घर के अंदर ही रखें, भारी बारिश और तेज हवाओं से बचने के लिए सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें, वाहनों को पेड़ों और खंभों से दूर रखें, बिगड़े हालात को देखकर ना घबराएं, फोन के जरिए अपने रिश्तेदारों से संपर्क में बने रहें, जब भी घर से बाहर निकलें घर वालों को बता कर निकलें और उनसे फोन से संपर्क में बने रहें। गौरतलब है कि बिपरजॉय तूफान को गुजरात के तटों से टकराने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, जिसको देखते हुए गुजरात समेत 8 राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन इसका सबसे भयानक असर गुजरात में देखने को मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने गुजरात के 33 जिलों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। साथ ही अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो वह इमरजेंसी नंबर 1077 पर कभी भी कॉल कर मदद की मांग कर सकता है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, इन हेल्पलाइन नंबर्स की शुरुआत एनडीएम गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम से की गई है। साथ ही सचिवालय, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के सचिव, CDS इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के हेडक्वार्टर, PIB, ऑल इंडिया रेडियो, रेलवे निदेशिका के साथ साथ केरल, महाराष्ट्र, गोवा ही नहीं दमन एवं दीव के भी नंबर शामिल हैं। ऐसे में इन हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए आपदा में फंसे लोग मदद की मांग कर सकते हैं। वहीं बिपरजॉय तूफान के प्रभाव से गुजरात के कई जगहों पर सुबह से ही तेज हवाएं चल रही हैं, साथ ही कई जगहों पर बारिश भी होनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में इन गाइडलाइंस और हेल्पलाइंस नंबर को याद कर लीजिए, ताकि मुश्किल में फंसने से पहले और मुश्किल के वक्त ये आपके काम आ सके। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।